तो दोस्तों यदि आपने भी यूपी पुलिस एसआई में फॉर्म को अप्लाई किया है तो लीजिए इसके एग्जाम को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम कब से स्टार्ट होगा बिल्कुल प्रूफ के साथ में। इसके अलावा कितने बच्चों ने यूपी पुलिस एसआई में फॉर्म को अप्लाई किया है प्रूफ के साथ में जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अमर उजाला न्यूज़पेपर की तरफ से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर लिखा है कि यूपी यानी कि नवंबर के अंत में शुरू होगी दरोगा भर्ती की परीक्षा, पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे पहले तो आप अपडेट को देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर 2021 का यह अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर इसके विषय की पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। दरअसल यहां पर लिखा है कि 9,500 दरोगा के पदों पर भर्ती के लिए यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस भर्ती में उप निरीक्षक पुलिस नागरिक पीएससी के प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर भर्ती की जानी है। दरअसल आपको पता होगा कि अभी-अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस जो दरोगा भर्ती है उसमें लगभग 9,500 करीब पदों पर जो ऑनलाइन आवेदन थे वो लिए गए हैं, और उसी को लेकर यहां पर जो एग्जाम इसका होना है वहां पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, नीचे आपको लिखा हुआ मिल रहा है। दरअसल यहां पर देख सकते हैं लिखा है कि भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि परीक्षा के लिए 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी कि जो यूपी पुलिस जो यहां पर एसआई का यानी कि दरोगा जो भर्ती आपका होने वाला है, जिसका एग्जाम होने वाला है, जिसमें लगभग 9,500 करीब जो पद हैं वो शामिल हैं, तो उसके लिए लगभग 15 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बहुत ज्यादा संख्या यहां पर दोस्तों, और यहां पर देख सकते हैं आगे लिखा है कि भर्ती बोर्ड का प्रयास है कि परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू कराई जाए और दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त करा दिया जाए। यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर देखिए दो चीजें यहां पर निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहली चीज यह है कि देखिए जो आपका परीक्षा अभी तक यहां पर एक या दो के अंदर पूरा कंफर्म कर दिया था, समाप्त कर दिया जाता था, लेकिन अब दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। परीक्षा जैसा यहां पर एसएससी का चलता है, धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े अभ्यर्थियों का डेली डेली शिफ्टों में परीक्षा कराया जाता है, उसी प्रकार अब यूपी पुलिस एसआई का जो परीक्षा होगा वो आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और इसके लिए देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर जो भर्ती बोर्ड की तरफ से कहा गया है वो नवंबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा स्टार्ट होने की बात की गई है, और दिसंबर के स्टार्टिंग जो सप्ताह होगा उसमें यह पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और यहां पर दोस्तों ये तो साफ हो चुका है कि यहां पर जो लगभग 15 लाख के करीब जो है वो यहां पर फॉर्म अप्लाई किए गए हैं यूपी पुलिस एसआई की इस भर्ती में। और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो संबंधित एजेंसियां हैं उनका यहां पर चयन किया जा रहा है, यानी कि अभी ये एजेंसी का चयन नहीं हुआ है कि कौन सी एजेंसी जो है कंपनी जो है वो इसका यहां पर एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराएगी, भर्ती को पूरी कंप्लीट कराएगी। तो दोस्तों इसको लेकर अभी जो ताजा जानकारी है वो तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना यहां से तो कंफर्म होता है कि जो यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम होगा वो नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में जरूर यहां पर कंफर्म कराया जा सकता है। दोस्तों ऐसे ही सटीक सही इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं कुछ और नए अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में।